क्या आप भी घुटनों और हाथ पैरों में दर्द, कमर या फिर जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? क्या आप बवासीर से परेशान हैं? क्या आप डायबिटीज से परेशान हैं? अगर हाँ, तो बस दो पत्तों से आपको अपनी इन तकलीफों से राहत मिल सकती है, वो भी बिना कोई खर्च किए। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो है तो मामूली सा, लेकिन ये आपकी पुरानी से पुरानी तकलीफों को ठीक कर सकता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पौधा है कौन सा जिसे हम नहीं जानते, पर ऐसा नहीं है साथियों, आप इसे जरूर जानते होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक आए और शेयर करना न भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही और भी हेल्थ टिप्स मिलती रहे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आग के पौधे के बारे में जिसका साइंटिफिक नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये आग का पौधा होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, और आखिर ये कैसे आपकी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आसानी और तेजी से ठीक कर सकता है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके पत्तों को इस्तेमाल करना कैसे होगा। दोस्तों, आग का पौधा जो कि आयुर्वेद में अर्का के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे मदार के नाम से भी जानते हैं, बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो कि दर्द निवारक तत्वों के लिए जानी जाती है। ये पौधा आमतौर पर रेतीली मिट्टी में, सूखी जमीन पर, रोड्स के इर्द गिर्द, छार जंकार में या फिर खंडहर वगैरह में आपको आसानी से दिख जाएगा। इसके पत्ते बड़े बड़े अंडाकार शेप में होते हैं। जब आप इस पौधे के किसी भी हिस्से को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक दूध जैसा लेटेक्स निकलता है जिसे आम बोलचाल में हम लोग दूध कह देते हैं। इसके पत्तों में कुछ खास बायो एक्टिव तत्व होते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं जो कि जोड़ों के दर्द के उपचार में बहुत मददगार हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पोस्ट की आग के पत्तों पर हुए एक शोध से पता चलता है कि आग के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अपने इसी गुण के कारण ये गठिया या घुटनों में दर्द की समस्या वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अध्ययन के अनुसार इसका इस्तेमाल रूमेटिक पेन के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप आग के दो या तीन पत्तों को द्वे पर हल्का सा गर्म कर लें और दर्द वाली जगह पर थोड़ा सा सरसों या तिल का तेल लगाएं, फिर आग के पत्तों से ढक दें, ऊपर से कपड़ा या पट्टी लपेट दें और इसे 15 मिनट से आधा घंटे तक लगाए रखें। ऐसा 5 से 6 दिनों तक करने से अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार का दर्द और सूजन कम हो सकती है। ये पत्ते बवासीर के लिए भी फायदेमंद है। बवासीर गुदा से जुड़ी हुई एक मेन समस्या है। आज बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। दवाई के जरिए इस बीमारी को ठीक करने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, जबकि आग के पत्तों से इलाज करने पर कुछ दिनों में ही आराम मिल जाता है। इसके लिए आग के पत्तों को पीसकर इसकी चटनी सी बना लें और इस लेप को गुदा द्वार पर लगा लें। 40 से 45 दिनों में आपको राहत मिल जाएगी। ये पत्ते डायबिटीज में इंसुलिन के स्तर को भी नियंत्रित करते हैं। आजकल डायबिटीज एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है, खासकर बुजुर्गों में, और ये आग के पत्ते इसमें भी मददगार साबित हो सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के 2011 के एक अध्ययन के मुताबिक आग के पत्तों में हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो एक आसान उपाय है, आप अपने पैरों की नोक पर आग के पत्ते लगाएं और उनके ऊपर मोजे पहन लें और पूरे दिन इसे पहने रहें। अगली सुबह ब्लड शुगर टेस्ट करके देखें, आपको फर्क जरूर नजर आएगा। और साथियों, ये सांस से जुड़ी बीमारियों में भी मदद करता है। 2012 के प्रबंधन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार धूप में सुखाकर पाउडर में बनाए गए आग के फूलों या जड़ों का सेवन सांस संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपचार है, जैसे अस्थमा, सर्दी, राइनाइटिस आदि। साथियों, कभी धूप तो कभी बदलते मौसम में आपको कई बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में इस तरह की तमाम समस्याओं से बचने के लिए अपने बड़ों की बात सुने और ऐसे ही घरेलू उपायों को जरूर आजमाएं। डिस्क्लेमर, दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल आपको सामान्य ज्ञान प्रदान करना है, किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह देना नहीं है। सभी जानकारियां आपकी जागरूकता के लिए इंटरनेट और अन्य स्रोतों से जुटाई गई है। BRGKpedia इन तथ्यों की पुष्टि का कोई भी दावा नहीं करता। पुष्टिकरण के लिए अपने चिकित्सक से ही परामर्श करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।